एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है जहाँ पर जब से एमी ने डैनी के ट्रक के ऊपर काफी सारी पेंट की मदद से उल्टा सीधा लिखा है, तब से ही डैनी का काफी ज्यादा मूड खराब है। और इसी चीज से डैनी इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो एमी से बदला लेने के लिए कई बार उसकी कार को खराब करने की कोशिश करता है, मगर किसी न किसी कारण से वो ऐसा नहीं कर पाता है। साथ में अब डैनी और उसके छोटे भाई पॉल की भी आपस में कुछ खास नहीं बन रही है, और पॉल अपने भाई डैनी को इग्नोर कर रहा है। और अब डैनी दोबारा से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, और वो इसी परेशानी में उस चर्च तक चला जाता है जिस चर्च को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और उसका हस्बैंड मिलकर चलाते हैं। अब यहाँ पर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड वियोनिका का हस्बैंड और उसकी टीम मिलकर प्रेयर कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर डैनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो काफी तेज रोना शुरू कर देता है, जिस कारण से उसका काफी सारा दुख बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ एमी जाकर दोबारा से जॉर्डन से मिलती है अपनी उसी बिजनेस डील के लिए, और एमी देखती है कि जॉर्डन उस बात से बिल्कुल गुस्सा नहीं है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको वो चेयर बेचने से मना कर दिया था। लेकिन एमी और जॉर्डन की बिजनेस को लेकर कुछ आगे बात होती, उससे ही पहले जॉर्डन को इमरजेंसी में वहाँ से कहीं निकलना पड़ता है, और जॉर्डन अपनी आधी अधूरी बात कर वहाँ से चली जाती है। और साथ में एमी अभी तक उस फेक आईडी से डैनी के छोटे भाई पॉल से बात कर रही है, और अब पॉल काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। साथ में अब एमी को भी पॉल से बात करना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसने शुरुआत तो ये सब डैनी से बदला लेने के लिए किया था, मगर अब ये बात काफी आगे बढ़ती जा रही है, इसमें एमी को भी उससे बात करना काफी पसंद आ रहा है। अब इसी कारण से एमी अपनी उसी फेक आईडी से पॉल को कॉल कर देती है, और वो उससे पहली बार वॉइस कॉल पर बात करती है, जिसमें एमी पॉल के सामने काफी ज्यादा खुल जाती है, और वो पॉल को बताती है कि वो काफी ज्यादा मेहनत करती है अपना बिजनेस चलाने के लिए, पर वो ऐसा नहीं चाहती। वो बिना काम करे भी अपना पूरा दिन बिता सकती है, मगर उसको जबरदस्ती काम करना पड़ता है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और साथ में उसको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो एक दिखावटी जिंदगी जी रही है, जिसमें उसको जानबूझकर अच्छा बनना पड़ता है और अच्छा बनने का नाटक करना होता है, जिस कारण से वो अंदर ही अंदर अपने आप को काफी ज्यादा प्रेशर में फील करती रहती है। तो पॉल भी ऐसे ही अपने मन की बात एमी को बताता है, और वो बोलता है कि वो अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहता है क्योंकि उसका भाई काफी ज्यादा नेगेटिव इंसान, जो अपने के लिए काफी सारा काम करता है मगर हर समय फिर भी वो परेशान रहता है और डिप्रेस रहता है, और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो अपने भाई से दूर हो जाए। अब इसी तरह से कुछ बात करने के बाद एमी को ये बात रियलाइज हो जाती है एकदम से कि वो एक गलत कर रही है। वो जल्दी से बिना कुछ बोले एकदम से फोन काट देती है। दूसरी तरफ अब डैनी जब आइजैक से जाकर मिलता है, आइजैक उसे बताता है कि उसने कंपनी अपने नाम करवा ली है और अब उनकी कंपनी का असली मालिक आइजैक। इधर एमी और उसका हस्बैंड जॉर्ज जब भी अपने रिलेशन के बीच में कुछ टेंशन क्रिएट होते हुए देखते हैं, तो वो लोग अपने रिलेशन के लिए एक थेरेपिस्ट से जाकर मिलते हैं। वहाँ पर वो उस थेरेपिस्ट के सामने अपनी सारी दिल की बातें बताकर एक छोटी सी थेरेपी लेते हैं, जिससे उन लोगों का मन हल्का हो जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि असलियत में गलती किसकी है। मगर यहाँ पर भी देखकर साफ लगता है कि एमी इन सब के आगे भी अपने अंदर चल रही बातों को सामने नहीं ला पाती है पूरी तरह से, और उसके हस्बैंड की पूरी कोशिश करने के बाद भी एमी ये नहीं कर पाती और वो सब कुछ ठीक होने का दिखावा ही करती रहती है। दूसरी तरफ डैनी जिस जगह पर अपनी मॉम डैड के लिए घर बनाना चाहता है, उस जगह को खरीदने के लिए काफी जोर लगा देता है, और वो बैंक से काफी लोन लेने की कोशिश करता है, मगर उसकी क्रेडिट स्कोर इतना खराब होता है कि उसको कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी के अगले दिन जॉर्डन दोबारा से जाकर एमी से मिलती है, जिससे एमी की बिजनेस डील होने वाली है, और आज जॉर्डन एमी को एक न्यू कंपनी खरीदने की कंडीशन दिखाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि एमी की कंपनी बिकने के बाद भी एमी को कम से कम 5 साल और उसके स्टोर में काम करना पड़ेगा, और ऐसा करने का कारण ये है कि उस बिजनेस के लिए एमी का फेस काफी ज्यादा जरूरी है, जिस कारण से जॉर्डन और उसकी बोर्ड मेंबर्स ये चाहते हैं कि वो उसकी कंपनी बिकने के बाद भी 5 साल उस स्टोर में काम करें। मगर एमी को ये कंडीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो तो जल्दी से जल्दी इस स्टोर को बेचकर शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती है, जिसमें वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती, मगर एमी के पास और कोई चारा भी नहीं है। दूसरी तरफ डैनी को पता चलता है वेरोनिका के इस चर्च को मरम्मत की जरूरत है, जिसके लिए उन लोगों को लोन चाहिए। तो अब डैनी एक प्लान बना लेता है, तो वो सोचता है कि वो चर्च के नाम पर लोन ले लेगा, चर्च को वो फ्री में खुद ही ठीक कर देगा, और लोन से मिले हुए पैसे वो सब अपने पास लेगा, जिससे वो उस जगह को खरीद कर अपने मॉम डैड के लिए घर बनवाएगा। तो अब वो ये बात चर्च को भी बताता है कि अगर वो लोग लोन ले लेते हैं तो वो इस चर्च को मरम्मत करने का काम फ्री में अपने हाथों से कर देगा, जिसके लिए चर्च काफी ज्यादा खुश होता है कि कम से कम मरम्मत करने के पैसे बच जाएंगे, और इस काम में उसके साथ आइजैक भी है। अब इसी के अगले दिन एमी के उस स्टोर में
पॉल पहुंच जाता है उसको ढूंढता हुआ, क्योंकि एमी जिसकी फेक आईडी बनाकर पॉल से बात कर रही है वो मिया नाम की लड़की भी उसी के स्टोर में काम करती है, और उसका एड्रेस देखकर पॉल यहाँ पहुंच गया। पॉल को देखकर एमी काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि एमी पॉल फेक आईडी बनाकर बातें कर रही है। इसको लेकर पॉल काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। अब पॉल एमी को उस लड़की की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये लड़की यहाँ पर काम करती है। तो एमी बोलती है कि ऐसी कोई भी लड़की यहाँ पर काम नहीं करती है, जिसे सुनकर पॉल थोड़ा सा चौंक जाता है। मगर तभी वो लड़की भी पॉल के सामने आ जाती है, जिसकी फेक आईडी से एमी पॉल से बात कर रही होती है। तो अब ये देखकर एमी जल्दी से पॉल को स्टोर से बाहर ले जाती है, और अब वो पॉल को सब कुछ सच सच बताती है कि असलियत में वही उस लड़की की फेक आईडी बनाकर उससे बात कर रही थी। मगर अभी भी एमी पॉल को पूरी सच्चाई नहीं बताती है कि उसने उसके भाई से बदला लेने के लिए ये सब किया। मगर साथ में एमी पॉल को ये भी बताती है कि उसने ये सब शुरू तो मजाक में ही किया था, लेकिन अब उसको उससे बात कर काफी ज्यादा अच्छा लगा, जिस कारण से उसने उससे काफी सारी बातें की। अब एमी अपनी पूरी बात खत्म कर पाती इससे पहले ही पॉल एमी को किस कर देता है। इसका मतलब पॉल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एमी वो लड़की नहीं है जिससे वो अभी तक बात कर रहा था। मगर इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।